क्या हुआ? हाँ पागल, इतना लोग को राखी बांध रहे भैया, बट इतना अच्छा कोई भी नहीं करा है। दोस्तों मैं ज़ैस खान, दोस्तों आज है रक्षाबंधन, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों एक लड़की थी अश्विनी नाम से, और 15 साल की लड़की थी, वो घर से भाग आई थी, और क्या कुछ हुआ था उसके लाइफ में सारा कुछ मैंने आपको बताने और दिखाने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं सारे वीडियो का दे रहा हूँ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जाकर वहाँ पर देख सकती हो। अब क्या सीन है दोस्तों कि वो अभी पटना में रह रही है, उसकी जो अंकल से आंटी से मैंने बात किया था तो आंटी थोड़ा सा अलग माइंड की निकली, क्या कुछ हुआ आपने वो देखा। अंकल का क्या कहना है कि दानिश इसको अपने साथ रखो पटना में, और यहीं पे कहीं भी इस पर इसको पढ़ाओ लिखाओ, जो भी खर्च होगा अंकल अभी दे रहे हैं। अभी क्या है कि वो ऐसी बोली, भैया मुझे आपको राखी बांधनी है। मैंने बोला ठीक है आ जाओ पार्क में। अभी तक उसका 2 कॉल आ चुका है, मैंने उसे उठाया नहीं, तो मैं उसे पूछ लेता हूँ कि वो अभी है कहाँ पर, क्या कुछ हो रहा है, और मैं उसे यहाँ पर बुलाऊँगा और बुलाऊँगा, राखी वो बांधेगी, और उसके लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है और क्यों है इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा ये वीडियो के लास्ट तक, तो ये वीडियो में बने रहिएगा। मैं अभी कॉल करके उसे पूछ लेता हूँ कि वो है कहाँ पे और क्या कर रही है, मैं उसे यहाँ पे बुलाऊँगा। हेलो हेलो, हाँ शी, कहाँ है आप भैया? आपको पता है ना मेरा फास्टिंग है, कितना देर से फोन कर रहे हैं आपको। यार सॉरी 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 सॉरी, सुनो ना तुम हो कहाँ पे अभी? अभी तो हम हॉस्टल में है। तो आ जाना पार्क में, यहीं पे राखी बांध देना। और यहीं क्यों भैया आपको बोले आने के लिए इतने देर से भूखे रखे हैं आप? पागल ये बताओ कहाँ पे तुम राखी बांधोगी, रोड पे बैठ के राखी बांधवाएंगे? आ जाओ पार्क में, यहीं पे फास्टिंग में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और यहीं पे राखी भी बांध देना। बोलिए आप, आज के दिन में आपका काम है, आपका काम खत्म होता नहीं है। बाबू काम नहीं है, देखो काम नहीं है, तुम आओ बस नॉर्मली यू ही राखी बांध दो, आ जाओ यहीं पे। ठीक है भैया आते हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है आ रही है दोस्तों, और सॉरी थोड़ा सा वो फास्टिंग में है, उसको हॉस्टल से बुला रहा हूँ, हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है पास में ही है, तो वो आ रही है। तो क्या कुछ होगा सारा कुछ आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। सॉरी 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 सॉरी, ऐसा होता ही नहीं, आपका वेट कर रहे हैं हम। अरे वेट की, देखो वेट की बात नहीं है, सुनना ही नहीं आऊंगा। अब हम वहाँ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में आते राखी बनवाने, बताओ गर्ल्स हॉस्टल में आते तो इसका क्या मतलब है? हम बोले थे कि नहीं फास्टिंग है मेरा, आपको समझ में आता है? बंदे ठीक है, मुट्ठी पांडा हो गई है, हॉस्टल का खाना ज्यादा लग रहा था हमें का, बढ़िया लेके आइए राखी बाकी। नहीं 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 लेके आए हैं, नहीं लेके आई, नहीं लेके आए हैं हम तो, आप तो मेरा तो पूरा फास्टिंग ही करवा दी थी उनका, कैसे लेके आएंगे, बांधेंगे कोई ना, छोड़ो लेके आ गए हैं। लेके आ गई हो? हाँ। क्या लेके आई हो? बहुत कुछ लेके आए। अरे नया नया थाली सब है, सब कुछ नया नया है। गया? अब शुरू करते हैं। शुरू करो। बहुत जोर से भूख लगा हुआ है क्योंकि कैसे कैसे क्या करना है बताओ? आपको कुछ नहीं करना, आप बस बैठे रहिए।
छलिया में पछे विच पानिया आए विवाही पर मगर गिफ्ट नहीं लेगा आप है। कोई बात नहीं, तो ना खुद दिए हैं हमको, भाई मिल गया हमको, हम पढ़ाई कर रहे थे अच्छे से, देखिए इतने खुश हैं हम, और क्या चाहिए, देख रहे मेरा खाका के मुठा गई हॉस्टल के खाना सब बाहर का भी खाते हैं बाहर का भी खाती है ना। चलो कोई नहीं, वैसे तुमको क्या चाहिए गिफ्ट में? कुछ नहीं चाहिए, हमको बहुत कुछ मिल गया। अभी राखी बांध दी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आग बंद करो, कुछ है आग बंद करो, क्यों आग बंद, आग बंद करो कुछ है, कुछ लाए हैं ये तुम्हारे लिए। कैसा है ये कपड़ा है? और इसको थोड़ा सा सिलवाने की ज़रूरत है, दर्जी के पास ले जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमको टाइम नहीं मिला, और तुम्हारा फिटिंग क्या है वो हमको अभी आइडिया नहीं था, तो इसलिए हम वो लेकर नहीं गए। बट ये तुम्हारे ऊपर जो लगेगा ना भाई, गजब एकदम मस्त, उसके बाद फोटोशूट वगैरह कर देंगे, ठीक है? इसको लो, इसको रख लो। क्या हुआ? हाँ? पागल, इतना लोग को राखी बांध रहे हैं भैया, बट इतना अच्छा कोई भी नहीं करा है। पागली लड़की, इसको पहले पूजा का सामान हटाओ, तू इधर आ, इसको उधर रखो, पूजा का सामान बैग में डालो। चिमकी है? थैंक यू भैया। इतना अच्छा हम है ना, हाँ इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, इतना बुरा बुरा लोग को देखे आज, अब क्या ही बोले। छोड़ सब, जो बीता वो बीता, तुम वो ऐसी हो जो हमेशा हंसती रहती हो, खाते रहती हो, मोटाते रहती हो, ठीक है? चल, एंड सॉरी लेट हो गया था, तो इसलिए तुमको यहाँ बुलाएं, और बुलाने का एक और रीज़न था क्योंकि हम ये जो सारा चीज़ हुआ है वो हम रिकॉर्ड किए हैं, वहाँ पे कैमरा लगा कर रखे। अच्छा, माइक लगाए हुए इसलिए हम रो दिए। कोई नहीं कोई नहीं, इसलिए वो कैमरा वैमरा लगा कर रखे हैं, सारा चीज़ शूट किए हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या क्या कर रहे थे इसमें कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ है। और एक और छोटा सा गिफ्ट है, क्या और इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, क्या ख्याल है? पहले ये गिफ्ट लो और देखो और बताओ क्या है। पहले देखो तो सही, वाओ भैया कैसा है ये, तो सबसे अच्छा गिफ्ट है, इससे भी ज्यादा क्या ख्याल है इसके बारे में तुमको? इसके बारे में मेरा ये है कि ये गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट है, दिस इज द कंफर्ट हम कह सकते हैं, और वो इतना अच्छा लग रहा पता है। I'm very proud of you. सुनिया देखो, ये वीडियो करने का रीज़न था और ये गिफ्ट देने का रीज़न ये था कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे औरतें हैं जो ये यूज़ नहीं करती है, गंदे कपड़े यूज़ करते हैं, मतलब इसकी वजह से बहुत सारा बीमारी क्या क्या हो रहा है, और इसको कितना गंदा लोग समझते हैं, हम कितने प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ पे अभी ये गिफ्ट देख के कि मेरा ऐसा भाई है जो हाँ बोल सकता है और हमको एकदम प्रोटेक्ट फील करा सकता है कि हाँ तुमको बीमार नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको देखते हैं मेडिकल स्टोर में, ऐसा लगता है कि क्या छुपा के लेके जा रहे हैं, क्या है, सबको पता है इसके बारे में, पढ़ाई होता है इसके बारे में, और फिर भी लोग ऐसे कि अनजान बन रहे हैं, अनजान बना रहे हैं, स्पेशली गांव साइड में जो होते हैं। हम मेरे गांव में अब जो चाची लोग कैसे कुछ बगल अगल बगल की कैसे ले लेती थी क्या क्या, हम देखते थे पहले तो पता भी नहीं था, फिर पता चला धीरे धीरे, तो बोलती सब बहुत गलत है, सबको बहुत बदलना चाहिए मेरे ख्याल से। हमको तो इस पे हम बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं, अभी इतना दिमाग में अचानक से देख के आ गया, और ऐसा गिफ्ट देने के बारे में कैसे सोच सकता है कोई? क्योंकि ये मेरे ख्याल से बेस्ट गिफ्ट है किसी भी लड़कियों के लिए, किसी भी औरत के लिए, और
ये गिफ्ट तो मेरे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी ये गिफ्ट है, इससे बेहतर गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो छोटा सा भाषण था ये कैसा लगा हमें प्लीज़ बता दें। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो बनाने का रीज़न भी मेरा कहीं ना कहीं यही था कि एक छोटा सा मैसेज देना था लोगों को के बीच में कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो ये यूज़ ना करके गंदे कपड़े यूज़ करती है और गंदे तरीके से इस चीज़ को प्रिटेंड करने की कोशिश करती है, ये चीज़ ऐसा दिखाने की कोशिश किया जाता है, तुम निकाल लो कान को, फाड़ लो कान को एकदम, ऐसा दिखाने की, ऐसा बताने की कोशिश करते कि ये कोई बीमारी है, चोरी छुपे इसको रखते हैं वगैरह वगैरह चीज़ है। तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में ये भी मुझे बता दें। और एक ये भी छोटा सा जो मैसेज था मेरे रक्षाबंधन में, तो मैं चाहूँगा कि हर एक भाई इसी तरह, बिल्कुल हर एक भाई अपने बहन को अगर गिफ्ट देना चाहते हो, अपने बहन के लिए कुछ बेस्ट गिफ्ट, अगर इससे बेहतर कुछ हो पाएगा नहीं ना, बिल्कुल। तो यही चीज़ है, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बता दे। और आप सभी को हम दोनों की तरफ से लास्ट में हैप्पी रक्षाबंधन।